करता हूं क्रांतिकारी जय भीम साथियों। लेकिन आज जो हालात हो गए हैं, क्या वो देश के अंदर क्या ठीक है? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। देश के अंदर कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। और हमेशा से हम बोलते आए हैं कि देश के अंदर अगर जिस भी सरकार को राज करना है तो वो संविधान के दायरे में रह करके संविधान के अनुसार राज करें। लेकिन फिर क्यों आखिर बीजेपी के राज में ये भगवा आतंकवाद बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है आखिर? क्योंकि बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की जो मानसिकता है, वह मानसिकता दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, यानी कि पूरी बहुजन जाति को, पूरे बहुजन वर्ग को, पूरे बहुजन समाज को कुचलने का काम कर रही है। इनकी मानसिकता जो है बार बार सामने आती रही है, पहले भी सामने आती रही है, आज भी सामने आती रही है। जो इन लोगों को आरएसएस के माध्यम से और बीजेपी के कैडर कैंप जो होते हैं उनके माध्यम से जो सिखाया जाता है, वो जब वो कहते हैं कि अगर घड़ा भर चुका होता है, कहते हैं घड़ा भर गया, या कोई पानी, अगर आप एक काम करिए, आप गिलास में पानी डालिए, पानी डालेंगे गिलास के अंदर, उसको पूरा भर देंगे, फिर भी जो है वो डालते रहेंगे तो गिलास के ऊपर से तो पानी आएगा ही आएगा। अगर घड़ा पानी से भर जाएगा तो फिर भी उसके अंदर अगर पानी डालते रहेंगे तो पानी ऊपर आएगा ही आएगा। वही कार्य हुआ है इसके अंदर, जो आज पूरे देश में आग लगी हुई है। संविधान बदलने की बात जो की गई है वो पानी ऊपर आया है। जो पानी हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, वो पानी हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। इनका घड़ा भर चुका है। दिखाते हैं, करते हैं, कैडर कैंप ये लोग देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स में, और अंदर खाने कमरा बंद करके जो ये लोग सिखाते हैं, बताते हैं, वो दलित मुस्लिम विरोधी बातें हैं, बहुजन समाज को कुचलने की बातें हैं, अत्याचार करने की बातें हैं। यही तो हो रहा है पूरे देश के अंदर। जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है या घड़े के अंदर पानी भरते हैं, वो घड़े से बाहर निकलता है। गिलास में पानी भरते हैं, वो गिलास से बाहर निकलता है। वही तो हो रहा है इस देश के अंदर। जब भारतीय जनता पार्टी के एक भगवा भगवा आतंकवादी देशद्रोही मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक मंच के ऊपर यह बयान दिया कि हम संविधान को बदलने आए हैं, कि हम संविधान को बदलने आए हैं, ऐसा कहा उसने। वो बात निकल के सामने आई कि घड़ा भर जाता है पानी निकलता है, गिलास भर जाता है पानी निकलता है, सामने निकलता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इनके दिमाग के अंदर आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने सांसदों की, मंत्रियों की, विधायकों की और पंचायत स्तर के ऊपर जो जिम्मेदारियां लगा रखी है कि दलित समाज को, बहुजन समाज को, मुस्लिमों को मारिए, कुचलिए, उनका दमन करिए, वो बातें उसके दिमाग के अंदर अनंत कुमार हेगड़े जो भारतीय जनता पार्टी का देशद्रोही मंत्री है, कौशल विकास मंत्री है, बहुत अच्छा कौशल कर रहा है, कौशल विकास मंत्री है, बहुत अच्छा विकास कर रहा है, केंद्र सरकार के अंदर है, केंद्रीय मंत्री है। सोचना पड़ेगा साथियों, समझना पड़ेगा, इसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही लोचा भर चुका था, तभी इसने ये मंच के ऊपर बात कह दी। लेकिन ये लोग बार बार कहते हैं जो अंदर बातें हुई वो बाहर मत आने देना, लेकिन वो कूट कूट कर भरी गई थी। घड़े से बाहर पानी निकल आया, गिलास से बाहर पानी निकल आया और हमारे सर के ऊपर से गुजर गया। लेकिन साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने गुस्से को जाहिर करते हैं, अपने गुस्से को बताते हैं, लेकिन किसी भी साथी ने क्या इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की?
नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। क्या सारे काम जो होते हैं, सारे काम जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं हो सकते? मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा कानूनी पहलू कि इसके ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने, संविधान का विरोध करने, संविधान को बदलने की धमकी देने, इस तरह के मामलों में और देशद्रोह के मामले में इस केंद्रीय मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकल के सामने आए, हमारे समाज में से कोई भी भीम क्रांतिकारी निकल के सामने आए जो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराए। मुकदमा दर्ज कराना होगा। अगर कोई साथी नहीं निकल के आया तो फिर मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से मेरा उसूल रहा है कि अगर कहीं मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उसके बाद में फिर इनके हौसले कहीं ज्यादा और ना बढ़ जाए, फिर मुझे निकल के आना पड़ता है। लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आपको नहीं सोचना होता संविधान के बारे में, देश के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के बारे में? क्या आपको नहीं सोचना चाहिए? इसीलिए साथियों, मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि संविधान का अपमान किया गया है। संविधान इस देश में सर्वोच्च है, ना ही राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना ही इस देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। सर्वोच्च यदि कोई है तो भारत देश का संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगर संविधान का किसी ने अपमान किया, संविधान बदलने की धमकी दी, तो ऐसे में वो देशद्रोह में आता है। इसीलिए साथियों, आपको किसी ना किसी भाई को आगे आना होगा और इस भगवा आतंकवादी बीजेपी के सांसद के खिलाफ, देशद्रोही सांसद के खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज कराना होगा, कराना चाहिए। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो आपका भाई नवाब सतपाल तंवर निकल के सामने आएगा, जिस दिन कंप्लेंट दे दी किसी भी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज होगा, 100% होगा। लेकिन अब बड़ी बात आती है साथियों, ये बोलते क्यों हैं? इनकी जुबान इतनी चलती क्यों है? इन्होंने अपनी जुबान इतनी खोल रखी है। पानी बेशक से हमारे सर के ऊपर से गुजर गया, पानी बेशक इनके घड़ों से भर के बाहर आ रहा है। इनका गुस्सा, इन लोगों की नफरत दलित मुस्लिम समाज के प्रति जैसे निकल के आ रही है, पूरा देश देख रहा है। संविधान इस देश का ग्रंथ है, संविधान इस हेगड़े की बाप की जागीर नहीं है और ना ही इसके बाप नरेंद्र मोदी की जागीर है। सॉरी फॉर दिस, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाप की जागीर ये संविधान नहीं है और ना ही हेगड़े की ये संविधान जागीर है। सोचना पड़ेगा साथियों, करना पड़ेगा साथियों, इनका विरोध करना पड़ेगा साथियों। सभी मिलजुल करके एकता के साथ आवाज उठा करके इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। आवाज जरूरी है, आवाज उठनी जरूरी है साथियों, बहुत जरूरी है। कि हमने देखा है, काफी बार देखा है कि इन लोगों ने हमारे समाज को हमेशा दबाने का काम किया है। मैं बार बार कहता आया हूं, हर बार कहता आया हूं कि इन भगवा आतंकवादियों का हौसला जितना बढ़ेगा ये लोग उतना ही हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करेंगे, उतना ही ये लोग मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार करेंगे। क्या इनको जूते मारने नहीं बनते? क्या इन सड़कों पर उतरकर इनको जूते नहीं मारने चाहिए? क्या इन लोगों की जबान नहीं काट देनी चाहिए? जबान की बात तो बहुत दूर होगी साथियों, जबान की बात बहुत दूर है। मैं तो कहता हूं इन लोगों की गर्दन काट देनी चाहिए। आखिर हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। अगर यूं ही चलता रहा तो हमें हथियार उठाने ही पड़ेंगे। लगता ऐसे है, ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, आखिर क्या चाहते हैं इस देश को? इस देश से ये लोग क्या चाहते हैं? क्या धार्मिक आतंकवाद, क्या धार्मिक आतंकवाद की आग में
ये देश को झोंकना चाहते हैं क्या? जातिवाद की आग में ये देश को झोंकना चाहते हैं? अरे शर्म करो, संविधान का तुम पालन नहीं कर सकते। संविधान की शपथ लेते हैं जब मंत्री बनते हैं तो, संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे। संविधान का पालन करने की बात कहते हैं फिर संविधान का विरोध करते हैं। इनकी बातें निकल के सामने आई, लेकिन साथियों जूते मारने पड़ेंगे। जूते मारो, जूते मारो उन दलों को, जूते मारो उन दलों को, जूते मारो उन दलों को जो दलित मुस्लिम पर, जो दलित मुस्लिम पर अत्याचार करे। और जबान काट लो ना ना, गर्दन काट लो उन कुत्तों की जो संविधान बदलने की बात करे। गर्दन काट लो उन कुत्तों की जो संविधान बदलने की बात करे। और बड़ी बात और कहूंगा, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये संविधान लिखने की उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई, ना उनके पुरखों की हिम्मत हुई, पूर्वजों की हिम्मत नहीं हुई, और ना ही कोई व्यक्ति संविधान लिखने के काबिल इनके बीच में हो पाया, कोई नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, इस देश में लोकतंत्र कायम किया। जब कोई संविधान लिखने वाला नहीं था, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे आए और मुस्लिम समाज ने बाबा साहब को पूरा का पूरा सपोर्ट किया, तभी संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे थे। तो इसीलिए आज दलित समाज के साथ, हमारे समाज के साथ, मुस्लिम समाज को भी, मुस्लिम वर्ग को भी आगे आना होगा। यदि यह संविधान बदल दिया गया तो पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचाए जाएंगे। सोचना होगा, सोचना होगा, करना होगा। पूरे देश के अंदर ये लोग कत्लेआम मचा देंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे गाय के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। सोचना होगा आप सभी को, क्या दलित समाज, जिसको दलित समाज कहते हैं, जिसको दला, मैं इसके परिभाषा भी दूंगा, जिसको दला हुआ कहा जाता है, जिसको कुचला हुआ कहा जाता है, जिसको ये दलते हैं, कुचलते हैं, उसको दलित कहते हैं। बार बार ये बात निकल के सामने आती है कि बहुजन समाज जो है अलग से उठा करके फेंक दिया गया, अलग से उठा करके उसका दमन करने की कोशिश की गई, उसको दला गया, उसको कुचला गया, फिर उसको दलित कहा गया। इसीलिए बार बार दलित भी कहा जाता है। मुस्लिम समाज के ऊपर ये लोग अत्याचार करते हैं, बहुत भयंकर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। फिर इस देश के अंदर हालात ऐसे बन गए कि जो भगवा आतंकवादी सरकार है, यह सरकार इस देश के नागरिकों को आपस में बांट करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कुचलने का जो काम कर रही है, वो किस हद तक सही कहा जा सकता है? फिर संविधान बदलने की मांग भी करते हैं, कहते हैं संविधान को बदल देंगे, हम संविधान बदलने आए हैं। ये कहते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, कान खोल करके सुन लेना, इस देश में संविधान का राज था, है और रहेगा। 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ था, 1947 के बाद संविधान लिखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन लोगों के जीजा हैं जो लोग संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में लोकतंत्र कायम किया। जो लोग इस बात को ध्यान से सुने, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस देश में जो लोग संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, दिया हुआ लोकतंत्र जो बदलने की मांग कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन लोगों के जीजा हैं जो संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन संविधान बदलने वालों की मांग करने वालों के जीजा हैं, इस बात का प्रमाण है। क्योंकि
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक ऐसी औरत ने शादी की थी जिसने बाबा साहब को भी धोखा दिया, लेकिन जीजा तो कहलाएंगे ना। इसी बात पे साथियों लाइक शेयर और कमेंट आप करते जाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन लोगों के जीजा है और संविधान को बदलने की मांग करने वालों के ऊपर कालिख पोतनी चाहिए, उनके चेहरे पर कालिख पोतनी चाहिए, उनको जूतों की माला पहनानी चाहिए, उनको जूते मारने चाहिए। जूते मारो उन दलों को जो दलित मुस्लिम पर अत्याचार करे, और गर्दन काट दो उन कुत्तों की जो संविधान बदलने की जरूरत करे या संविधान बदलने का सपना देखे। साथियों आपको मैं प्रॉपर तरीके से कहना चाहूंगा कि जो केंद्रीय विकास मंत्री हैं, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और मंत्री हैं केंद्रीय सरकार के अंदर, यदि ध्यान से सुनिएगा, पूरी मीडिया ध्यान से सुन ले, पूरा समाज ध्यान से सुने, जितने साथी हैं वो भी ध्यान से सुने। सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को जारी कर रहा हूं, लेकिन साथियों लाइक शेयर और कमेंट आपके लगातार चाहूंगा। ये आवाज पूरे देश की आवाज है, जहां तक इसकी जुबान पर इनाम रखने की बात है, जुबान पर इनाम रखना एक अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूं जो जुबान खोले इस संविधान के प्रति, जो जुबान खोले संविधान के खिलाफ जो जबान खोले उसकी जबान नहीं उसकी गर्दन काटनी चाहिए, उसकी गर्दन काटनी चाहिए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री है एवं उद्यमिता मंत्री हैं, अनंत कुमार हेगड़े, अगर इसकी गर्दन कोई भी व्यक्ति काट करके लेके आता है हमारे सामने, तो 2 करोड़ रुपयों से उसको सम्मानित किया जाएगा और उसका मुकदमा मैं फ्री में लड़ूंगा। 2 करोड़ का इनाम है उसकी गर्दन के ऊपर। गर्दन काटो, सिर्फ गर्दन काटो, जबान काटने से कुछ नहीं होगा। नंगा कर दो उसको, गर्दन काटो उसकी, संविधान के खिलाफ जो बोलेगा वो इस देश में रहने के काबिल नहीं है। या तो गोली मारो उसको, अगर गर्दन लेकर के आया, जो भी भाई गर्दन लेकर के आया, जो भी बहन उसकी गर्दन लेकर के आई काट करके, मैं कहता हूं 2 करोड़ रुपयों से उसको सम्मानित किया जाएगा और मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में मैं खुद उस भाई का केस लड़ूंगा। और जबान देता हूं जो भीम क्रांतिकारियों की जबान है, जेल नहीं जाने दूंगा, जेल की 4 दीवारी उसको रोक नहीं पाएंगी। जबान देते हैं आज भीम क्रांतिकारी। साथियों लाइक शेयर और कमेंट, गर्दन सामने आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इस देशद्रोही भगवा आतंकवादी जो संविधान बदलने की बात करता है, संविधान बदलने की हिम्मत नहीं, इसकी गर्दन काटने वाले को 2 करोड़ से सम्मानित हम करेंगे और साथ में बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में केस लड़ेंगे, जेल नहीं जाने देंगे। साथियों डरना नहीं, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जितने साथी जुड़े सभी साथियों का मैं क्रांतिकारी जय भीम से मैं अभिवादन करता हूं। बहुत सारे साथी हैं जो जय भीम से कमेंट कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं और अदर समाज के भी लोग हैं, तो ये चैलेंज जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा। जो इसकी गर्दन लाएगा उसको 2 करोड़ से सम्मानित किया जाएगा, उसका मुकदमा बिल्कुल फ्री में लड़ा जाएगा। और साथ में एक बात और मैंने कही, जबान देते हैं जेल नहीं जाने दूंगा, गर्दन ले आए बस सामने, वहां से निकाल करके, वहां मत पकड़े जाना बिल्कुल भी, वहां से गर्दन काट के, इस मंत्री की गर्दन काट के सामने ले आए, पैरों में डाल दे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हम, भीम क्रांतिकारी हम, कभी जेल नहीं जाने दूंगा, और बार के बार जमानत करा करके
उस भाई का पूरा सम्मान और पूरे समाज के अंदर जो पगड़ी पहनाई जाएगी, सबसे बड़ी पगड़ी पगड़ी होगी वो, बहुजन समाज की पगड़ी होगी वो। गर्दन काटिए इस सांसद की, गर्दन काटिए, गर्दन काटिए आपने, समाज आपको सराखों पे बैठाएगा। साथियों इस बात को सोच ले पूरी मीडिया और पूरा सब कुछ।